राम सीताराम ये सब राजनीतिक लोग हैं। मुझे यहाँ कहना चाहिए कि बुंदेलखंड के आसपास जो भी बिहड़ों में डाकू लोग रहते हैं, वही डाकू लोग पैसा बहुत बन जाने के बाद धीरे धीरे राजनीति में आ जाते हैं, और इस समस्या को भी यहाँ मैत्री पुष्पा जी ने उठाया है। श्रीराम शास्त्री उसका प्रतिनिधित्व करता है। श्रीराम शास्त्री पहले डाकू था, अब बड़ा राजनेता बन गया है, ढेर सारे उनके पास तीनों प्रकार का पावर है, मनी पावर, माइंड पावर और मसल्स पावर। आज आप जानते हैं हमारे भारत में ये तीनों पावर जिसके पास होते हैं ये तीनों पावर वाले ही राज करते हैं, तो श्रीराम शास्त्री उसका प्रतिनिधित्व करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जंगलिया, शिव सिंह जंगलिया का जो मर्डर होता है, तो यही शिव सिंह जंगलिया पर एक मर्डर का भी आरोप पहले लगाया जाता है, बाद में उनको मार दिया जाता है। धीरज करके एक पात्र आता है इस उपन्यास में, तो धीरज भी एक उच्च शिक्षा प्राप्त लड़का है सभ्य समाज का, वो IAS बनना चाहता है, लेकिन बन जाता है सूरजपाल जैसे राजनेताओं की कठपुतली। वो बेचारा अपनी जमीन जायदाद बेचकर नौकरी के लिए ढेर सारे पैसे सूरजपाल को देता है, और सूरजपाल ये चाहते हैं कि तुम मुझे पहले पैसा दो, कुछ समय यहाँ काम करो, उसके बाद आप नौकरी में लग जाओगे। जमीन भी उनकी बिक जाती है, नौकरी भी नहीं मिली, अंत में चौकीदार बन के रह जाता है। तो मुझे यहाँ कहना चाहिए मित्रों कि आजकल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार का संकेत भी इस उपन्यास में बहुत गहरी रूप से हुआ है। मुझे अब कहना चाहिए कि इस उपन्यास में कुछ संवाद के माध्यम से मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि पुलिस का अपराधीकरण और जाति का ओछापन कैसे हो रहा है। आपको मैंने बताया था कि राम सिंह की माँ ने राम सिंह को शरीर बेचकर बड़ा किया था और शिक्षक बनाया, लेकिन शिक्षक बनकर राम सिंह को कोई फायदा नहीं होता है। कारण क्या होता है कि शिक्षक बनकर कज्जा लोग उनको स्वीकारते नहीं हैं। एक कज्जा उनको डांटते हुए कहता है कि राम सिंह, नौकरी मिल गई तो क्या तू न्याय मांगने के लिए लड़ेगा, पर किससे? डंडा, राइफल, पिस्तौल जैसी ताकत है तो हमारे पास है बेटा, तू क्या सारे देश पर यही हुकूमत करती है। मित्रों आप देख सकते हैं आज की भारत की राजनीति, कि आज की राजनीति में आप देख सकते हैं कि राम सिंह को जिस प्रकार दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसी प्रकार आज बड़े बड़े राजनेता, गुंडे, बदमाश लोग शिक्षकों को और अच्छे लोगों को दबाते हैं। इस उपन्यास में जाति को लेकर भी कबूतरा लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। एक पात्र उनको कहता है, पात्र ही नहीं, वो राम सिंह को पुलिस वाला ही, कि साले ऊंची जाति के लड़कों का हक हड़प कर चोर उच्चकों से मास्टर बन गए, यानी कि ये लोग मास्टर के रूप में भी ये पिछड़ी जाति वालों को स्वीकारना नहीं चाहती। थोड़ी बात हम राणा की करें। राणा बनना चाहता था कज्जा, यानी सभ्य समाज का एक पार्ट भाग, लेकिन बेचारा बन जाता है कबूतरा। राणा जब बड़ा होता है तो मनसाराम का वो पुत्र है, लेकिन कदमबाई के माध्यम से पैदा हुआ था, इसलिए उनको कबूतरा ही समझती थी। एक बार तो मनसाराम की पत्नी आनंदी
राणा को देखकर उस पर कुत्ते को दौड़ाया और कुत्ता काट खाए, इसी प्रकार का कृत्य किया। लेकिन उस समय राणा बच जाता है। इसीलिए कदमबाई ने सोचा कि ऐसा करूं, मैं इसको अच्छी पढ़ाई के लिए राम सिंह के पास भेज देती हूं। तो ये राणा राम सिंह के पास पढ़ने जाता है। लेकिन राम सिंह जैसे पढ़ने जाता है तो स्कूल में सभी स्कूलें तो कज्जा लोगों की थी, यानी कि सवर्णों की थी, तो वहाँ स्कूल में भी उनको कैसे कैसे प्रताड़ित किया जाता है। मुझे यहाँ कहना चाहिए कि जिस प्रकार दलित लेखकों ने अपनी आत्मकथाओं में अपनी विडम्बना चित्रण की है कि जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह, वो लोग पढ़ने जाते थे तो उनको कैसे पीड़ित किया जाता था, शोषित किया जाता था। पूरे चार चार घंटे तक वो स्कूल साफ करवाई जाती थी। तो यहाँ भी राणा के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। राणा ने एक बार पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर दिया था। आपको मालूम है कि पीपल का वृक्ष जो है वो पवित्र माना जाता है, और उनको कज्जालों को या दलित लोगों को पीपल के वृक्ष को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है। राणा ने जब स्पर्श कर दिया तो उनके मित्रों ने उनके बस्ते को पीपल पर टांग दिया। यहाँ लेखिका लिखती है, हमें संवाद के माध्यम से ये बात बताना चाहूँगा कि स्कूल के बच्चों ने राणा का बस्ता पीपल पर टांग दिया। उसे लगा बस्ता नहीं, उसका बेटा ही पीपल पर टांग दिया है। पीपल तुलसी के पेड़ कबूतराओं के छूने से जल जाता है। मित्रों, मुझे यहाँ बताना चाहिए कि जब पीपल पर बस्ता देखा तो कदमबाई को ऐसा लगा कि ये पीपल पर बस्ता नहीं लटकाया, लेकिन उनके लड़के को लटकाया गया है। जब राणा बस्ते को, यानी कि अपने पुस्तकों को लेने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, उस समय उनका मास्टर आता है और मास्टर क्या कहता है वो भी आप सुनिए। साले, यह नहीं देखता कि पीपल पर देवताओं का वास होता है? स्कूल जैसी पवित्र जगह में बैठ जाने दिया तो हमारे देवताओं के मुंड पर नाचेगा। स्कूल में घुस ही आया है तो सजा भुगत। बस्ता उतरवाना ही था तो किसी ब्राह्मण के लड़के से कह देता। यानी कि पीपल के वृक्ष को भी स्पर्श करने का अधिकार इन कबूतरा लोगों को नहीं है। इस ओर भी लेखिका का संकेत है। इन लोगों को पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मित्रों, आप लोगों ने प्रेमचंद की कहानी सुनी होगी, ठाकुर का कुआं। मुझे मालूम है कि ठाकुर का कुआं सब लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, अध्यापकों ने भी पढ़ी होगी। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी में मूल संवेदना क्या है? पानी के लिए संघर्ष करना। आप जानते हो कि जीवन में संघर्ष करने के लिए जीवन में तीन चीज़ें ज़रूरी है रोजिंदी, एक पानी, हवा और खुराक। ये तीनों चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है तब हम जी सकते हैं। जब इस चीज़ों पर कई और लोगों का वो हो जाता है तो क्या होता है? यहाँ PPT पर आप देखिए कि स्कूल का मास्टर पानी तक नहीं पीने देता। राणा बेचारा नल के पास पानी पीने जाता है तो राणा को रोक दिया जाता है और स्कूल के मास्टर द्वारा कहा जाता है, तू नल नहीं छुएगा। नल के आसपास भी देख लिया तो याद रखना, यहाँ सिपाही आते हैं, पकड़वा दूंगा। प्यास के कारण उसका गला चटकने को आ गया, नल नहीं छू सका। नल नहीं छू सका यानी पानी नहीं पी सका। मित्रों, इस उपन्यास में जो नारियों की स्थिति है और नारियों की स्थिति देखनी है तो कदमबाई के इन संवाद के माध्यम से नारियों की दयनीय स्थिति का चित्रण हम देख सकते हैं। कदमबाई कहती है, हमें तो बचपन से एक ही सच्चाई समझाई गई है कि कबूतरी के मर्द की कोई खेती धरती नहीं होती है। यानी कि कबूतरा जाति के लिए कोई जमीन जायदाद नहीं है,
कुआ तालाब पर उनका हक नहीं होता है, न उनके पास कुआ होता है न उनके पास तालाब होता है, फिर भी जिंदा रहना है। अन्न पानी चुराओ, क्या करेंगे लोग, अन्न ही चुराएंगे, पानी चुराएंगे, और जुटाओ। बिना छत के सोने की आदत डालो, मौसम को फतह करो। ये है वहाँ के कबूतरा जातियों की स्थिति। मित्रों, मुझे यहाँ कहना चाहिए कि आम जनता कबूतरा जाति जब बस में बैठती थी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती, जब वो लोग बस में सवार होते थे और सवर्ण लोग जब देखते थे तो क्या सोचते थे। कदमबाई जब सगर्भावस्था में थी और वो बस में बैठी तो तुरंत कज्जा लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। पीपीटी पर देखिए क्या कहने लगी। पहली सीढ़ी पर पाव ही रखा कि बस में से आवाज़ें उठी, कबूतरी है कबूतरी, गाड़ी में बच्चा पैदा कर देगी, बच्चा साला रोएगा नहीं जेबे जाड़ेगा, नहीं सब ढोंग है, घाघरा खुलवाओ, पेट पर कपड़ा बांध रखा होगा, बड़ी प्रपंचिनी औरतें होती है ये। तो देखो मित्रों, ये कबूतरा लोगों पर किस प्रकार का व्यवहार सवर्णों यानी कि सभ्य समाज द्वारा किया जाता है। मित्रों, मुझे बताना चाहिए कि जब पुलिस वालों को किसी भी कज्जा कबूतरा कज्जा नहीं सॉरी कबूतरा लोगों के स्त्रियों का यौन शोषण करना होता था तो लोग उनके मोहल्लों में आते थे, उनके घरों में आते थे। जैसे वो घरों में आते थे तो उनके पति लोग भाग जाते थे। पतियों के भागने के कारण महिलाएं बेचारी घर में अकेले रह जाती थी और उस समय पुलिस वाले उनका यौन शोषण करते थे। यहाँ मैं मैत्री पुष्पा जी ने जो एक उपन्यास में से जो उदाहरण दिया है वो मैं देता हूँ कि पुलिस वाले आते हैं, सब कबूतरा लोग भाग चुके हैं, कुछ महिलाएं रह गई है, तो वो किस प्रकार उनका अत्याचार उन पर अत्याचार करते हैं। देखिए पीपीटी पर, वो गई पकड़ो साली को, पेट वाली है, मटके पेट लाओ इधर, हम बच्चा पैदा करते हैं। आदमी पैंट खोलता है, डंडे वाला पीछे से जांघों में डंडा घुसड़ने लगा। शर्मन की औरत पूरी ताकत लगाकर चीखी, औरतों को आदमी खींचने लगे। देखो मित्रों क्या स्थिति है कबूतरा जाति की औरतों की। पुलिस वालों जब चाहे उनका यौन शोषण कर सकते थे। और आपको मुझे बताना चाहिए कि पुलिस और राजनीति और डाकुओं का गठजोड़ है, आज भी आप आज की राजनीति में भी देख सकते हैं। राम सिंह शिक्षक के रूप में नौकरी करते थे लेकिन उनकी लड़की अलमा को ले जाने की धमकी देकर उनको दलाल बना दिया जाता है पुलिसों का। मुझे कहना चाहिए कि पुलिस और डाकू कैसे मिले हुए हैं। बेटा सिंह नामक एक डाकू था, उनके ऊपर 1,00,000 का इनाम था। 1,00,000 का इनाम जुटाने के लिए पुलिस और डाकू एक होते हैं और राम सिंह शिक्षक को डाकू के रूप में मार दिया जाता है और बताया जाता है कि बेटा सिंह मर गया और उसका 1,00,000 रुपया पुलिस और डाकू लोग हड़पते हैं। मित्रों ये अपराधीकरण भ्रष्टाचार आदि का चित्रण तो इस उपन्यास में मिलता है लेकिन साथ साथ इस उपन्यास में विवाह पद्धति भी कैसी होती है उस पर भी नज़र डालना ही चाहिए। कबूतरा जाति में विवाह उनका हो जाता है जल्दी से जो चोरी में माहिर हो, जो चोरी करने में बहुत माहिर हो उनकी शादी जल्दी होती है। और राणा जो है उनकी शादी हो नहीं रही थी क्योंकि वो चोरी से परहेज करता था, वो चोरी करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसकी माँ कदमबाई राणा को समझाती है। देखिए पीपीटी पर संवाद, बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भैंस खोलने का हुनर सीख, सगाई संबंध वाले ऐसी कलाकारी सुनकर ही रुकते हैं,
यानी कि भैंस खोलने का, यानी कि भैंस को चोरी करके तुम ले आने का काम सीख लोगे तो शादी तब होगी, नहीं तो शादी होने वाली नहीं है। मुझे यहाँ ये भी बताना चाहिए कि जब वो बारात जाती थी उन लोगों की, तो 15 दिन तक बारात रुकती थी, उसमें उनको शराब पिलाया जाता था, नॉनवेज खिलाया जाता था। 15 दिन में कई बार वो लोग लड़ते भी थे आपस में, ससुराल वाले और मायके वाले लड़ते थे, तो जो भी मतलब कि खून खराबा होता था उसका खामियाजा लड़की के पिता को भुगतना पड़ता था। लड़की के पिता वो पैसे मतलब कि देने पड़ते थे कि जाओ भाई इतना रुपया हुआ, चलो अस्पताल भी ले जाओ, ये सारी चीज़ें लड़की के पिता को करनी होती थी। शनिवार को ही चोरी करते थे ये लोग, अधिकतर कबूतरा लोग चोरी करने जाते थे तो शनिवार को पकड़ते, शनिवार या मंगल को जाते थे, क्योंकि शनिवार और मंगलवार उनके लिए सुकून होता था। और जहाँ वो चोरी करने जाते थे वहाँ वो लेटरिन करते थे। अब ये लेटरिन वाली बात थोड़ी हमको ऐसी लगती है, लेकिन मुझे यहाँ कहना चाहिए कि जब मैं गोधरा में था और गोधरा में हमारे मकान में जब चोरी हुई थी, तो हमारे मकान के आगे के बाग में कुछ लोगों ने ये लेटरिन कर लिया था बाहर, तो हम लोगों को पता नहीं चला था कि ये लेटरिन कैसे किया। लेकिन जब मैंने अलमा कबूतरी उपन्यास पढ़ा तो पता चला कि कबूतरा जाति के लोग जब चोरी करने जाते थे तो वहाँ लेटरिन करते थे, तो वो सुगुन माना जाता था। तो ये बात भी इस उपन्यास में आती है। मित्रों, बहुत चीज़ें मुझे कहनी है, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर खन्ना प्रसाद अमीन हैं, वो भी अपनी बात उषा प्रियंदा पर बताना चाहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। जो आज का विषय है उषा प्रियवदा के उपन्यासों के बारे में हम आपके सामने चर्चा करेंगे। अगले जो हमारे जो विद्वजन है, जो डॉक्टर मेहरा साहब ने बहुत अच्छी तरह से मतलब मैत्री पुष्पा के बारे में बताया, उसके उपन्यासों के बारे में, और जो मैं अब आज आपको जो बताने जा रहा हूँ उषा प्रियवदा के उपन्यासों के बारे में। तो उषा प्रियवदा ने आज तक उन्होंने 5 उपन्यास लिखे हैं। उसका जो पहला उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा,